हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्थाज किचन। आज हम ब्रेड और चॉकलेट से बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी बनाएंगे जो आपको और आपके बच्चों को भी बेहद पसंद आने वाली है। इसे बनाने के लिए आप चॉकलेट लें, जो भी आपको पसंद हो। मैंने डेयरी मिल्क लिया है। चॉकलेट के पीसेज अलग कर लें। अब एक ब्रेड लें और ब्रेड पर एक एक करके चॉकलेट की जितनी पीसेज लगानी हो लगा दें। चॉकलेट को ब्रेड के सेंटर में रखेंगे, किनारे नहीं। ऊपर से एक और ब्रेड लगाएं और अब किसी डिब्बे का ढक्कन लें और ब्रेड के ऊपर रखकर दबाएं। चॉकलेट वाला हिस्सा ढक्कन के बीच में होना चाहिए, बाकी किनारे बचे हुए ब्रेड के हिस्सों को अलग कर दें। इसी तरह आप सभी ब्रेडों को ढक्कन की हेल्प से शेप दे दें। ध्यान रहे ब्रेड ताजी हो और सॉफ्ट हो तो यह आराम से बन जाएगा। अब पैन में बटर डालें, बटर को पिघल जाने दें। इसके बाद ब्रेड को इस पर डालें और क्रिस्पी होने तक सेकें। एक तरफ सेकने के बाद इसे पलटकर दूसरी तरफ भी क्रिस्पी होने तक सेक लें। इसके किनारों को भी सेकें। अब फिर से बटर डालें और दूसरा ब्रेड तवे पर डाल दें। आप देख ही रही हैं कितने क्रिस्पी हुए हैं और देखने में भी काफी अच्छे लग रहे हैं और स्वाद तो गजब का है ही। दूसरे ब्रेड को सेकने में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करें। इसी तरह आपको जितनी ब्रेड चॉकलेट स्वीट्स बनानी हो बना लें। आप एक बार में जितने आपके पैन में आए उतने सेक लें। इससे समय और गैस दोनों की बचत होगी। इसे बनाने के बाद चॉकलेट सिरप डालकर सर्व करें।